तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो आज शुरुआत हो रही है व्लॉग की रोड से ही। सो आज है भाई सैटरडे, मैं बता दूँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। और यार आप लोग को पता ही है फाइनेंशियल ईयर एंड का दुख। आज देखो सैटरडे और ऐसा लग रहा है भाई साहब पता नहीं कौन सी छुट्टी का दिन है और मैं अकेला ही ऑफिस जा रहा हूँ। सड़कें एकदम पूरी खाली। भाई ये कैब वाला बहुत गलत गाड़ी चला रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ पीछे भी मेरे को एकदम दबाने चक्कर में था। अभी भी देख लो तू कहाँ करता है, वो आ गया ये देखता हुआ। ओह भाई आज तो लग रहा है लेट वाली फिंकी लगी जाएगी। उस दिन भी बतिया था मैं, कल परसों भी मैं ऑलमोस्ट मेरे को लगा था मैं लेट हो गया हूँ, लेट वाली लगाऊंगा। ऊपर पहुँचा तो 9:45 चल रहे थे, तो हमारे में क्या होता है एक मिनट। तो परसों भी जब मैं पहुंचा 9:45 वाला टाइम चल रहा था और सेकंड चल रहे थे। तो हमारा क्या रहता है, अगर आप 9:45 के सेकंडों पे भी लगा लेते हो तो आप लेट काउंट नहीं होते हो। तो मैं फिर बच गया था, बस खुदा करे आज ये मौसम ऐसी रहे शाम तक। मतलब मैं आज मेरे को चर्च भी जाना है तो भाई शाम तक ये मौसम ऐसी रहे, रात में भले बिगड़ जाए जितनी मर्जी बारिश आंधी तूफान जो आ जाए, लेकिन शाम के मेरे चर्च पहुंचने तक ये मौसम ऐसे ही रहे। सब खड़े हुए क्यों है भाई? भाई सब रुके हुए थे यार, मेरी कोई गलती नहीं है, सब रुके हुए थे ठीक है। A few moments later. ये दुख का है ख़त्म नहीं होता वे साला, जहाँ जाओ वहाँ ट्रैफिक मिल जाता है। ट्रैफिक से बचने के चक्कर से सीआर पार्क के अंदर से आया था, क्यों कल पूरा खाली दिख रहा था वहाँ का रास्ता। आज तो भाई लग रहा है आज सही में गलत आ गया, कल जब आना चाहिए तब आया ही नहीं और आज जब नहीं आना चाहिए था तब मैं आ गया हूँ। तो देख लो भाई ये हाल हो रहा है। तो अभी दोपहर का टाइम है एंड मैं आज जल्दी निकल गया हूँ। जल्दी क्यों निकल गया हूँ, आज है भाई चर्च के अंदर अपनी प्रैक्टिस। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना गाइस, कल आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि कल मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग जो हम लोग चर्च में प्रेजेंट वर्शिप करा करते थे बहुत टाइम के बाद फिर से एक साथ मिले रहे हैं और कल की प्रेजेंट वर्शिप हम लोग करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी एनर्जेटिक होगा, तो एंजॉय करना उस चीज़ को। पूरी वीडियो डालूंगा, सारे गाने डालूंगा, देखना ज़रूर। आज चलेंगे लेट सी, किसी न किसी से मिलवाएंगे, आगे देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। फ़िलहाल तो भैया मैं फंस गया इन जाम में, तो आपसे मिलते हैं जाम को पार करने के बाद। बारिश ना आए, वैसे बादलों को देख के लग नहीं रहा क्योंकि काले से सफ़ेद हो चुके हैं बादल, तो अब बारिश आना तो थोड़ा मुश्किल है। बट भाई कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है तो बारिश कब आ जाए। तो चेक आउट करो यार, मस्त हो रहे हो। चलो मिलते हैं आपसे सीधा चर्च पे। और ये प्रैक्टिस, मेरा भाई ड्रम बजाएगा बढ़िया। अपन अपनी जगह पे, बहुत पुराने पुराने आज सब लोग आ रखे, मजा आएगा। तो गाइस चर्च में प्रैक्टिस हो गई है ख़त्म, अब निकल रहे हैं घर को। हमारे इस भाई को आना था कैमरे पे। चलो भाई सबको करते हैं बाय बाय और चलते हैं घर और करते हैं आज के दिन का डी एंड। हेलो बाय बाय, चल भाई जाएंगी कल मिलते हैं, जा रहे हैं यस बाय बाय, अब अगला ब्लॉग बनेगा, चश्मा तो बढ़िया लग रहा है ना, चकूर का मिलते हैं कल, चश्मा बढ़िया, थैंक यू ब्रो। चलो भाई बाय बाय, चश्मा चश्मा, अबे अंधेरा अबे, अबे ये रोशनी बहुत है भाई अपने पास, तो इसको ऐसे भाई चश्मा पहनने के लिए दो लाइट और लगाइए और क्या। चल भाई
ये हम निकल गए चर्च से और अब चलते हैं घर और करते हैं बाकी के दिन को कंटिन्यू। घर पे आने वाले हैं दोस्त, तो मोटे भाई से मेरी बात होगी, वो चर्च होके आ रहे हैं। रोशन शायद घर पे ही है, लॉरेंस आएगा, बाकी उसे चल के मतलब बात कर लेते, सबसे बात तो हुई नहीं। लॉरेंस का फ़ोन किया था, उसका फ़ोन कॉल बैक आया नहीं, लेट्स सी वो कब आता है एंड आज क्या करते हैं। बाकी साइमन भी कह रहा था चर्च जाके आएगा, वो हर बार गोली दे जाता है, कभी कभी आता है आजकल, वो देखते हैं कि वो आता ही नहीं आता। और भाई अभी तक तो सब कुछ मस्त तरीके से हो गया, बाकी होपफुली कल अच्छी से हम लोग परफॉर्मेंस भी कर पाए। प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी हो गई और हमने एक गाना भी एड ऑन कर लिया, 4 गाने गाने थे, 4 से 5 गाने हो गए, तो आई होप कल सबको मज़ा आएगा कल के ब्लॉग में। और भाई पहले से बोल रहा हूँ, कल उस दिन मैंने बहुत बाद में वो चीज़ बोली थी कि जो भी मेरे ऐसे मतलब खड़े हो गए जब स्टेज पे मैं कुछ भी गाता आता हूँ ना, तो आप प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिकमेंड है कि या तो एयरफोन यूज़ कर लो या अपने होम थिएटर वगैरह किसी से कनेक्ट करके सुनना, मतलब स्पेशली स्पीकर से कनेक्टेड रहना, क्योंकि उसका ना यार चर्च अपना थोड़ा ना मतलब चर्च कैसे बताऊँ, मतलब चर्च के अंदर ना मेरी आवाज़ गूंजती है, तो हर एक चीज़ की ना धन धन धन, मतलब हर एक चीज़ बहुत गूंज के आती है साउंड, तो प्रॉपरली वो तुम्हें एग्जैक्ट साउंड तो नहीं दे पाऊँगा। अगर भाई तुम्हें अगर एग्जैक्ट सुनना है तो मोस्ट वेलकम चर्च में हमारे, बाकी यूट्यूब के ज़रिए सुनना है तो यार अच्छे उसके लिए साउंड के लिए सबको ये बोलूँगा कि भाई मस्ट यूज़ एयरफोन। तो रास्ते चलते भाई कुछ दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, तो हमें कौन मिले, विक्की भाई और निक्की। तो ये निक्की है ना, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस भाई ने हमें दिया हुआ है अपना सब ऊपर यूज़ करने को। कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी कहीं पे, ध्यान नहीं मैंने स्नैप पे डालता हूँ नहीं कहीं डालता, न्यू ऊपर करके न्यू नीता मैंने निक्की से ले रखा है, तो उसके ऊपर भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, आपको आगे दिखाएंगे, घर हिला देंगे पूरा, पूरी बिल्डिंग हिला देंगे, करेंगे उसमें भी कुछ आगे। चलो चलते हैं फिलहाल घर को। सो देख रहे हो गाइस नया सब ऊपर JBL का 1250 वॉट, जिसको हम ड्राइव करेंगे अपना वो उधर कोने में, अगर मैं दिखाऊँ ये सोनी का पुराना म्यूज़िक सिस्टम है। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस वूफर को इस म्यूज़िक सिस्टम के साथ ड्राइव कर सकूँ, किस में, अपने ये छोटू होम थिएटर में। तो अभी फ़िलहाल मैंने इससे ये स्पीकर ऊपर, एक वो मिडल स्पीकर, वो 4 स्पीकर और एक वो स्पीकर और ट्यूटर और एक ये वाला स्पीकर और ट्यूटर। आ जा मेरे भाई एक मिनट, हाँ ये रहा, ये सारी चीज़ें जिस छोटू से चल रही है जो कि ये रहा सोनी का। सो अभी ना मेरा प्लान चल रहा है कि यार थोड़ा सा ना म्यूज़िक को अपग्रेड करो, और जो मैं अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना, मेरा जो टेस्ट है ना मतलब म्यूज़िक को लेके, एक तो पहली चीज़ मेरे को इस चीज़ का शौक है ठीक है, और दूसरा जैसे गाड़ियों के टर्म में अगर बोलूँ तो भाई आपको वो बताओगे एक SQL होता है ठीक है, साउंड क्वालिटी, तो मुझे साउंड क्वालिटी का बहुत शौक है ठीक है। मैं चाहता हूँ मतलब एकदम मस्त क्लियर, एकदम स्मूथ क्लियर साउंड आए, हर एक चीज़ की आवाज़ मेरे को सुनाई दे, तो मेरे को उस टाइप के साउंड का शौक है। ज़्यादा बेस है धूम धड़क का नहीं पसंद मुझे, बेस चाहिए बट उसके साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। तो धीरे 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 अपना वो सेटअप बना रहा हूँ, तो होपफुली आपको जल्दी सुनाऊँगा भी जब मैं उसमें कुछ करूँगा आने वाले दिनों में। बस यार वही हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ के लिए, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, एंड ट्राई करेंगे भाई कि आप लोग के लिए भी कुछ नई नई चीज़ें लेके आता रहूँ। बाकी फ़िलहाल कल जाना है एक बहुत स्पेशल की एक स्पेशल इंसान के पास, और एक स्पेशल फैमिली के पास, इंसान के पास नहीं बोलूँ पूरी फैमिली ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है, उनके पास जाएंगे, आप फोन से भी मिलवाते हैं ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने एक इतनी सारी चीज़ देख ली, वो भी मेरा एक तरीके से फैमिली का ही पार्ट है, तो उनसे भी आपको जल्दी मिलवाएंगे। सो होपफुली मैं कल टाइम से अगर उनके घर गया तो आपको मिलवाऊंगा, और कल वहाँ भी कुछ स्पेशल ओकेशन और मैं इन्वाइटेड हूँ, सो आप सबको भी लेके चलेंगे ठीक है। तो अभी कर रहे हैं हम लोग वेट, अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम अलेक्सा टाइम क्या हो रहा है, समय शाम के 7:41 है, 7:30 बज गए हैं ठीक है। ये भी भाई ने हमारे काम की चीज़ दे दी, आलस भी है अब यार, घड़ी इस कमरे के लिए ना मैं घड़ी ढूंढ रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी घड़ी पता है
और आप लोग ने मेरा रूम दे रखा है तो वही को सजेस्ट कर सकते हो मेरे को, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, कमेंट करके लिंक छोड़ देना, मैं चेकआउट कर लूँगा। अच्छी लगेगी तो ज़रूर करके इस रूम में लगाऊँगा, क्योंकि इस रूम के लिए एक घड़ी चाहिए, उस वाले रूम के लिए तो है, इसके लिए चाहिए कुछ अलग सी यूनिक सी घड़ी, ढूंढ रहा हूँ जो मिल नहीं रही अभी तुम्हारे। एलेक्सा मोटा कहाँ है? Amazon Music पर मोटा हाथी हाथी राजा का। एलेक्सा स्टॉप। ओ भाई वाला बढ़िया था। एलेक्सा तुम्हें कुछ नहीं पता। एलेक्सा रॉक्सन के बाल काट दो। सॉरी मुझे ये नहीं पता। तुझे क्या पता एलेक्सा? एलेक्सा कुछ पता है? एलेक्सा कुछ पता है? पता तो मेरा क्लाउड है और मेरा लगातार कुछ नया सीखना भी जारी है। एलेक्सा दो चाय बना दो। वेब से मैंने एक उत्तर का अनुवाद दे रहा, लिखिताओं के अनुसार चाय की पत्तियों से चाय बनाने के लिए बन गई एलेक्सा चाय। एलेक्सा स्टॉप। नहीं थी मुझे। एलेक्सा अरे अकेले आए हो? वो कहाँ है? कौन? माइकल मीना। हाँ कहाँ? नीचे? नहीं यार गाड़ी में हूँ। तुम उसका क्यों वेट? मोटा भाई भाई आज की भीड़ कंप्लीट हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं, आ गए अपने सारे भाई लोग। नेटफ्लिक्स की सीरियल में किसी में गाना गाया है ना इसने? अच्छा अब उसकी बात करते हैं ये कौन नहीं करवाते पे पैसा है भाई पे करके तो बहुत पॉपुलैरिटी खत्म हो गई ना कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कल का दिन भी आपको अच्छा लगा होगा एंड कल काफ़ी सारी प्रैक्टिस वगैरह हो गई थी। सो आज है परफॉर्मेंस का डे। सो बस फिलहाल आप लोग यहाँ तक आप वीडियो में बने हो तो भाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेट करना नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा और देखना ज़रूर, ठीक है? बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन होने वाली है एंड मेरी पूरी जो पुरानी मेरे सारे दोस्तों की टीम थी पूरी पुरानी वाली जो हम लोग मोस्टली किया करते थे वही टीम है, काफ़ी मज़ा आएगा उस चीज़ के अंदर। सो बने रहो दोस्तों और इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहो एंड बस भाई कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करूँगा, ख़त्म ही होने वाला है मन, ठीक है? तो चलो यहाँ तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर यहाँ तक बने हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है? मिलता है आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।